लोग का डिजिटल मेंबरशिप की शुरुआत हुई है। आप पहले से भी जानते हैं जो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कोरोना जैसे महामारी की स्थिति में ये संभव नहीं है कि हमारे नेता सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, शक्ति सिंह गोहिल जी हों या अन्य जो हमारे सम्मानित नेतागण हैं वो अपनी बातों को गांव-गांव तक पहुंचा सकें और उनके समस्याओं को बैठ कर कहीं समझने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ कि डिजिटल मेंबरशिप जो है वो जनता से गांव-गांव तक संपर्क स्थापित करने का एक जरिया है। इसलिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि हम लोग डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से जनता के समस्या को सुनेंगे भी और अपना समस्या या अपना जो संदेश होगा उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग ने ये तय किया है और हमारे गांव-गांव तक यूनिट है। ये बात ठीक है, ये लोग बहुत आवागमन आजकल नहीं कर सकते हैं, बहुत भीड़ भाड़ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मेरा यूनिट सब जगह है। हम लोग आज से तेज़ी से इस डिजिटल मेंबरशिप की शुरुआत करने जा रहे हैं। कोई लक्ष्य रखा है कि कितने मेंबर बनाए जाएंगे? देखिए, पहले जो है उससे ज़्यादा मेंबरशिप होगा, लेकिन अभी ये जानते हैं ये मेंबरशिप जो है घर में बैठ के नहीं हो सकता। हमारे कार्यकर्ता और नेतागण जितना तेज़ी से जनता के बीच जाएंगे भीड़ लेके नहीं, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ये तो ऐसा मेंबरशिप नहीं है जो घर में बैठ के किया जा सकता है। ये जब तक वहाँ जाइएगा नहीं, उसका फोटो खुद नहीं खींचिएगा, तब तक नहीं होगा। इसमें जाली मेंबरशिप करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए इंटरेक्शन संवाद बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे लोग जितने जल्दी लोगों से संवाद स्थापित करेंगे उतना ज़्यादा मेंबरशिप होगा। और फीस भी रखा गया करता है, जिनको कई बार शिकायत रहती है कि हम मेंबरशिप बनाते हैं और डेलीगेट भी बन जाता है, पार्टी की किसी और की जगह मिल जाती है। ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम किया है, जो कोई रिचली मेंबरशिप रहेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा मेंबर बनाएंगे, इसको तो सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग के लिए एसीसी हेडक्वार्टर से होगा और पार्टी हाईकमान को पता रहेगा किस कार्यकर्ता ने किस कंस्टिट्यूंसी में किस ब्लॉक में किस गाँव में कितने मेंबर बनाए। तो मैं समझता हूँ पार्टी कार्यकर्ताओं को, ग्रासरूट कार्यकर्ताओं को, खासकर नौजवान कार्यकर्ताओं को इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। भविष्य आपका है, हमें कांग्रेस को मजबूत करना है। बिहार में कांग्रेस से लोगों की अपेक्षाएँ बढ़ी हैं और जो परिस्थिति बिहार सरकार की है वो परिस्थिति हमें एक तरह से प्लेटफॉर्म देने जा रही है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हमें करना है। अगले 90 दिनों में हमारे पास मुश्किल से 90 दिन तय बचे हैं विधानसभा के चुनाव में। उस विधानसभा चुनाव में हम अपना जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं वो हमें अपने आप को उसमें झोंकना होगा। जो जहाँ जिस लेवल के कार्यकर्ता है, नेता है, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि अपना बेस्ट आप पार्टी के लिए क्या दे सकते हैं। तो मैं इन चीज़ों का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ, यह एक अवसर है हमारे लिए। लोगों में नाराजगी है नीतीश कुमार सरकार को लेकर, लोगों में नाराजगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना की घोषणाएँ फिर से शुरू हो गई, वो छठ की बात करने लगे हैं, अब गरीब कल्याण की बात करने लगे हैं, नीतीश जी हर खेत में पानी पहुँचाने की बात करने लगे हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनता को बताना होगा। ये चुनाव के समय ही ऐसी घोषणाएँ क्यों करते हैं? इससे पहले बिहार को क्या था? 6 साल में बिहार को नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने जो घोषणाएं की थी, वादे किए थे, वो नहीं किया। और पलायन और रोजगार की अभाव जो स्थिति बिहार में है, रोजगार सृजन के अवसर अगर पैदा हुए होते बिहार में। राठौर जी, Thank you.